नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, इतिहास रच दिया है भारतीय टीम ने। भारत ने चौथे और आखिरी टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेटों से मात देकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है। भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो शुभमन गिल चेतेश्वर पुजारा रहे, जिन्होंने शुरुआती में न सिर्फ रन बनाए बल्कि विकेट को भी बचाकर रखा और जरूरी साझेदारी निभाई। इसके बाद ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने चौथा टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, शुभमन गिल ने 91 रनों की पारी, पुजारा ने 56 रनों की पारी और ऋषभ पंत ने नाबाद 89 रनों की पारी खेली। आपको बता दें, मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 369 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया पहली पारी में 336 रन ही बना सकी। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी पारी में मेजबान पर लगाम कस के रखा और 294 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया भारत को जीत के लिए 328 रनों का लक्ष्य दे पाया, जिसे भारत ने 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 328 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को पहला झटका 18 रन के स्कोर पर लग गया, जब पैट कमिंस ने रोहित शर्मा को कैच आउट करवाया। इसके बाद शुभमन गिल ने दिलेरी पारी खेली और पुजारा के साथ शतक साझेदारी की। शुभमन गिल अपने मेडन टेस्ट शतक से चूक गए, लेकिन 91 रन बनाकर भारत को जीत की उम्मीद जगा दी। भारत ने टी ब्रेक तक 3 विकेट खोकर 193 रन बनाकर मेजबान पर अपना दबाव बना लिया था। भारत ने दूसरे सत्र में कप्तान अजिंक्य रहाणे 24 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर पारी को संभाला, दोनों के बीच 61 रनों की साझेदारी हुई। 228 रन के स्कोर पर भारत को चेतेश्वर पुजारा के रूप में चौथा झटका लगा। पुजारा कमिंस की गेंद पर LBW आउट हो गए। मयंक अग्रवाल के भी आउट होने के बाद फिर ऋषभ पंत ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ अर्धशतक साझेदारी की और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। नवाद 89 रनों की पारी खेलने वाले ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।